है आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। खबर जनपद बहराइच से, धनौली में सिख समुदाय ने निकाली शोभा यात्रा। बहराइच के मटेर इलाके के धनौली में गुरु गोविंद सिंह की प्रकाश पर्व से पूर्व सिख समुदाय लोगों ने पहली बार धनौली गुरुद्वारे से भावी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे निशान साहब और उसके पीछे बैंड बाजे के साथ महिला पुरुष एवं बच्चे भी कीर्तन करते हुए दिखाई दिए। तो इस शोभा यात्रा के दौरान सिख समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्ष करते हुए जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। वही शोभा यात्रा पूरे गांव में घूमने के बाद पुनः धनौली गुरुद्वारे में समाप्त हुआ। तो वही इसी दौरान पालकी साहब का आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। वही पंच प्यारे के साथ आने सहयोगी युद्ध कला के हरत अंगेज करतब दिखाते हुए चल रहे थे। तो वाहे गुरु जी खलासा, वाहे गुरु दी फतेह के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। वहीं गुरुद्वारे के प्रबंधक चरणजीत सिंह ने बताया कि 8 जनवरी रविवार को प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा निकाली गई है। देखिए खास रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। नगर कीर्तन शोभा यात्रा कहाँ से चलकर कहाँ तक जाएगी? ये धनौली गांव जो है, पूरा गांव में पहले महाराज साहब को घुमाया गया, उसके बाद थोड़ा बाहर भी दिखा दिया गया है, उसके बाद गुरुद्वारे पुनः लौट जाएगी। अरजीत सिंह, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा मटेरा, और मैं गुरुद्वारे का सेवादार भी 20 साल रह चुका हूँ और इस बार भी सेवा ही कर रहा हूँ। कई गुरुद्वारों का सेवा किया है, कई गुरुद्वारों को हमने निर्माण कार्य कराए हैं अपने क्षेत्र में। मटेरा इलाके के धनौली में आज पहली बार नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या मटेरा इलाके के जो हमारे धनौली गांव का निकाला जा रहा है शोभा यात्रा? हाँ, ये जरूर है पहली मरतबा है, लेकिन मनाया हर बार जाता है। शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती थी, लेकिन मनाया हर बार जाता है धनौली में। इस बार उन लोगों ने शोभा यात्रा निकालने का प्रयास किया, परमिशन नहीं जाता, इसे गांव में ही निकाल रहे हैं, अपने गांव में बाहर नहीं जा रहे हैं। और अगले बार वो हमारे सरवंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रकाश पर्व है, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपना पूरा परिवार सर्व न्यौछावर कर दिया, आज हम उनके गुरुपर्व मना रहे हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई है और वो अगले बार परमिशन लेकर के पूरे क्षेत्र में शोभा यात्रा निकालेंगे। और ये बहुत शुभ अवसर है जो हमारे सरवंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपना सब कुछ सरवंश दान कर दिया हिंदू की रक्षा के लिए, उनका आज गुरुपर्व मनाया जा रहा है, वो सही है। और मनाया हर बार जाता है, शोभा यात्रा नहीं करेगी। इस जैसे बच्चों का कार्यक्रम है, गतका कर रहे हैं, बच्चे कीर्तन गा रहे हैं, शब्द गा रहे हैं और वाहेगुरु का नाम ले रहे हैं, उन्हीं की साखी आज पाठ रखा गया है गुरु गोविंद सिंह जी की गए उपलक्ष प्रकाश उपलक्ष में। क्योंकि 5 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन बहराइच जिले में, जिले का गुरुद्वारा होने के नाते वहाँ मनाया जाता है 5 को, इसलिए 6 को पाठ रखा गया। आज शोभा यात्रा यहाँ गांव में घूम रही है और 8 को इस पाठ की समाप्ति होगी। इसके बाद दरबार सजेगा, कीर्तन व्याख्यान होंगे, उपदेश होंगे गुरु के वाणियों का, जो उन्होंने आज तक सेवा किया है या धर्म के लिए जो कुछ किया, बलिदान किया, उस पर होगा। हमारी संगत जुटेगी, कीर्तन इत्यादि होने, बाहर के रागी जत्थे आएंगे, लखनऊ के हैं, लखीमपुर के हैं। इसके बाद प्रोग्राम समाप्त होगा, अरदास होगी, फिर 2-2:30 बजे के बाद लंगर, अटूट लंगर जो 10 बजे रात तक चलता रहेगा, ये हम लोगों के गुरुपर्व में होता है। इसका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। I'm not sure.